मित्रों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे NCER नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो आपका Nptel के थ्रू चलाया जाता है। लेक्चर 21 की बात करेंगे, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और इस वीडियो में क्या डिस्कस किया गया है उसके ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो से क्या कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। बात करें लेक्चर 21 की, अगर इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन विंड स्पीड और उसके पावर के बीच में हम लोगों को रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन आपका निकलता है। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस लिमिट ऑफ विंड मिल, उसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और साथ ही साथ उसकी लिमिट क्या है विंड टर्बाइन की या विंड मिल की, उसके बारे में बात करना है। और नेक्स्ट आपका थ्योरेटिकल लिमिट कैप्चर ऑफ विंड एनर्जी का थ्योरेटिकल लिमिट क्या है उसके बारे में इस वीडियो हमको देखना है। तो इसमें आपका पहला आता है एनर्जी कैलकुलेशन की। अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv² रहता है। आप जानते ही होंगे ½mv² होता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं आपका जो रो होता है m/v होता है, जो आपको रो को हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी या डेंसिटी बोल सकते हैं। तो रो की वैल्यू होती है जो m/v, मास बटा वॉल्यूम होता है। ये बेसिक फार्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से m जो होने वाला है ρ × v होने वाला है। रो मीन्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होने वाला है। तो हम मास की जगह यहाँ पे ये आपके वैल्यू पुट करने वाले हैं ρ × v। तो एज डेंसिटी रो वॉल्यूम भी हैज गॉन थ्रू द रीजन टू विंड मिल, जो आपका विंड मिल है वहाँ पे डेंसिटी और रो को काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा ½ρ × v × v² ये कैपिटल वी वॉल्यूम डिनोट कर रहा है और स्मॉल वी आपका वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है जिसको वेग बोलते हैं हिंदी में। हम लोग जान सकते हैं एरिया इक्वल टू हो जाएगा πr², ये बेसिक आपका फॉर्मूला है एरिया का। एरिया इक्वल टू πr² हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा ½ρ और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम में इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, ये आपका लिख सकते हैं वॉल्यूम को। तो यहाँ से एरिया इंटू लेंथ इंटू v² लिख दिया, ये आपका बराबर होने वाला है एनर्जी के। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपके एनर्जी का ही फॉर्म होता है। पावर p इक्वल टू dE/dt, हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो dE/dt होता है। तो यहाँ पे ½ρ dL/dt × v², ये आपका सारा इंडिपेंडेंट है बट L जो है आपका चेंज हो सकता है। तो यहाँ से ½ρ a v × v हो जा रहा है। तो यहाँ से p = होता है ½ρ a × v³ होने वाला है, जो आपका पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v³ की। मीन्स कहने का सेंस ये है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v³ की। तो यहाँ से आपका हम लोग ग्राफ डिनोट करते हैं पावर है और वेलोसिटी का ग्राफ। तो यहाँ से जो है आपका इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी ऐसे इस वे में, पावर आपका जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका आपकी वेलोसिटी के ½ के। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ½mv², यही बेसिक कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी ½mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से ये हम की वैल्यू पुट कर दिया तो ऐसा कुछ आ गया, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दिया तो ऐसा कुछ आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो ½ρ a dL/dt × v² होने वाला है। यहाँ से जो फार्मूला आने वाला है ½ρ a v³ आने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि जो पावर है आपके v³ के बराबर है। तो ये आपका रिलेशन आता है विंड स्पीड और पावर में। बात करते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें आपका पहला आता है टिप स्पीड रेशियो। तो इसको देख लेते हैं, रेशियो ऑफ रोटेशनल स्पीड ऑफ ब्लेड टू विंड स्पीड, जो आपका टिप स्पीड रेशियो होता है वो आपका रेशियो होता है रोटेशनल स्पीड ऑफ ब्लेड, ब्लेड की रोटेशनल स्पीड बटा आपकी विंड स्पीड जो होगी। ये आपका मैक्सिमम होता है 10 होता है लिफ्ट टाइप ब्लेड के लिए, जो आपकी लिफ्ट टाइप ब्लेड होते हैं उसके लिए आपका 10 होता है आपकी टिप स्पीड रेशियो। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कट इन स्पीड, इसमें आपका बोला जाता है कट इन स्पीड को क्या बोल सकते हैं, मिनिमम विंड स्पीड एट विच द ब्लेड विल टर्न, जो आपका होता है 10 km/h to 16 km/h, ये होता है आपका कट इन स्पीड।
नेक्स्ट इसमें आता है आपका रेटेड स्पीड, इसमें बोल सकते हैं हम लोग द विंड स्पीड एट विच द विंड मिल जनरेटेड रेटेड पावर, ऐसी स्पीड जिसमें हम लोग जनरेट करते हैं आपके रेटेड पावर को जनरेटेड करते हैं वो आपका रेटेड स्पीड होता है। यूजली इट्स लेवल ऑफ इन पावर बियॉन्ड दिस स्पीड अराउंड आपका 40 किलोमीटर पर हावर होता है आपकी रेटेड स्पीड होती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कट आउट स्पीड, यहाँ पे कट इन स्पीड था, कट आउट स्पीड यूजली एट विंड स्पीड एबव 70 किलोमीटर पर आवर, जब आपका 70 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो जाएगा तो द विंड मिल इज स्टॉप टू प्रिवेंट द डैमेज, तो जो आपका विंड मिल होगा वह स्टॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? प्रिवेंट करने के लिए कि कोई आपकी डैमेज ना हो। तो आपका कट आउट स्पीड है, यहाँ पे कट इन स्पीड है, जो आपकी मिनिमम स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर हावर टू 16 किलोमीटर पर हावर होती है, आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है थ्योरेटिकल लिमिट, थ्योरेटिकल लिमिट की बात करें तो इसमें आपका आता है बेंड्स लॉ 1920 में ये दिया गया था, विंड फुली स्टॉप्ड बाय विंड मिल, जो आपकी विंड होता है फुली स्टॉप करता है विंड मिल के द्वारा। नेक्स्ट इसमें आता है आपका जो विंड अनइफेक्टेड बाय विंड मिल, जो आपकी विंड हवा होती है वो आपकी अनइफेक्टेड होती है विंड मिल के, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो इसमें आपके पहले कंडीशन में बोला जा रहा है कि जो आपकी विंड फुली स्टॉप्ड बाय विंड मिल, विंड जो होता है फुली स्टॉप कर देता है विंड मिल को, तो इसमें आपका V1 जो है आपका स्पीड पहला है, मतलब इनिशियल स्पीड है, आपका V2 जो है फाइनल स्पीड है, तो यहाँ पे हाफ एम V1 स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टॉप कर देता है फुली स्टॉप कर दिया जाता है विंड मिल को, तो इसमें V2 जो होने वाला है आपका जीरो होने वाला है, यहाँ आपका ब्लेड से जो टकराएगा विंड उसके बाद ये आपका जीरो हो जाएगा, तो जो आपका फाइनल स्पीड होगा वो जीरो हो जाएगा, तो यही बोला जा रहा है कि स्टॉप। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि विंड अनइफेक्टेड बाय विंड मिल, यहाँ से आप एम V1 स्क्वायर होने वाला है, तो यहाँ से अगर आपका V2 और V1 आपका इक्वल हो जाएगा तो आपका अनइफेक्ट हो जाएगा विंड मिल पर। नेक्स्ट इसमें आपका बेंड्स लॉ में ही है 16/27 इक्वल टू 0.59 है, तो यहाँ से जो आपका पावर आने वाला है इसका मल्टीपल होने वाला है, तो जो मैंने रिलेशन देखा पावर और वेलोसिटी में आपका जो थ्योरेटिकल लिमिट आने वाली है इतना आपका टाइम्स होता है, तो पी इक्वल टू 0.59 इंटू हाफ रो ए इंटू वी क्यूब, थ्योरेटिकल लिमिट जो होती है आपकी कि ये हो जाएगी पावर की 0.9 टाइम्स होने वाला है, 0.59 टाइम्स होने वाला है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा जब आपकी थ्योरेटिकल लिमिट पूछी जाएगी क्वेश्चन में, तो आपको ये करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आपका 10-30% ही केवल होता है। ब्लेड टाइप की अगर बात करें तो इसमें आपके दो टाइप के ब्लेड होते हैं, ड्रैग टाइप और लिफ्ट टाइप। तो ड्रैग टाइप की अगर हम बात करें तो ग्रेटर टॉर्क लोअर रोटेशनल स्पीड होता है, जिसमें आपकी टॉर्क जो होती है इटकी होती है ग्रेटर होती है, और जो स्पीड होता है रोटेशनल स्पीड वह बहुत कम होती है लोअर होती है, बेटर सुटेटेड फॉर मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क के लिए यह आपका सुटेबल होता है। नेक्स्ट इसमें आपका लिफ्ट टाइप, लिफ्ट टाइप में बोला जा रहा है हायर रोटेशनल स्पीड होती है, बेटर सुटेटेड फॉर पावर जनरेशन, अगर हम लोग पावर जनरेशन के लिए यूज करें विंड मिल को तो उसमें हम लोग लिफ्ट टाइप का ब्लेड यूज कर सकते हैं, जिसकी रोटेशनल स्पीड मतलब घूमने की जो कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है, तो इसका पावर जनरेशन कैपेसिटी बेटर होगा। बट हम लोग आपके मैकेनिकल वर्क के लिए कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेटर टॉर्क का ब्लेड यूज करेंगे, जिसकी रोटेशनल स्पीड आपकी कम होती है लोअर होती है। ये थी कुछ बातें आपके लेक्चर 21 की। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।